दुनिया के महान लोगों के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल इंडियन बायोग्राफी चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को ताकि आप पा सकें वीडियो सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं इंडियन बायोग्राफी चैनल। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम यहां लाते रहते हैं दुनिया भर के महान लोगों की बायोग्राफीज। दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है 3 तलाक के खिलाफ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शाह बानो की, जिनको उनके पति ने मात्र 3 बार तलाक कहकर तलाक दे दिया था। दोस्तों, शाह बानो की शादी इंदौर के एक नामी ग्रामी वकील मोहम्मद अहमद खान से सन 1932 में हुई थी। शादी के 14 सालों के बाद उनके पति ने दूसरी शादी कर ली और शाह बानो को मात्र 3 बार तलाक कहकर तलाक दे दिया। शाह बानो के 5 बेटे थे और अब वे जिंदगी की तकलीफों को अकेले ही सामना करने के लिए मजबूर थे। उनको उनके पति महीने में मात्र 200 रुपए देते थे, जिससे उनका जीवन बहुत ही मुश्किल हो गया था। जिंदगी में अकेले संघर्ष करते हुए फाइनली उन्होंने इंदौर के ही एक लोकल कोर्ट में अपने पति के खिलाफ एक याचिका दर्ज कर दी। उनका कहना था कि उनके पति उन्हें मात्र 200 रुपए देते हैं और वे अपनी जिंदगी से बुरी तरह परेशान हो चुकी हैं। काफी मुश्किलों के बाद भी उनको कोर्ट की तरफ से कोई रियायत नहीं दी जा रही थी। यहाँ उनके पति अपनी जिंदगी में मस्त थे और शायरा बानो जिंदगी की तकलीफों को सहने के लिए मजबूर थी। वे अकेले ही कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रही थी। दरअसल दोस्तों, इस्लाम धर्म में एक नियम है जिसके मुताबिक कोई भी मुसलमान अपनी पत्नी को मात्र 3 बार तलाक कहकर तलाक दे सकता है। इसके बाद मुस्लिम महिलाएं बिना किसी की मदद के अकेले ही अपनी जिंदगी को चलाने के लिए मजबूर हो जाती हैं। उन्हें काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, इन्हीं सब बातों से मजबूर शाह बानो ने कोर्ट में याचिका दर्ज की थी। शुरुआती सालों में कोर्ट ने उनके हित में कोई फैसला नहीं लिया। वे लगातार संघर्ष करती रहीं। फाइनली परेशान होकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में शिकायत की और धीरे धीरे यह मुद्दा पब्लिक डोमेन में आ गया और अब शायरा बानो जैसी तमाम मुस्लिम महिलाओं का साथ शायरा बानो को मिलने लगा और यह पूरा मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बन गया। मीडिया की नज़र भी इस मुद्दे पर गई और मीडिया में आने के बाद देश के बड़े बड़े राजनीतिक दल भी इस मूवमेंट से जुड़ने लगे और शायरा बानो का मुद्दा आग पकड़ने लगा। देश भर की तमाम मुस्लिम महिलाएं अपनी अपनी शिकायत लेकर कोर्ट में याचिका दर्ज करने लगी और सम्मिलित रूप से यह मुद्दा देश का एक बड़ा मुद्दा बन गया। काफी सारी मुश्किलों के बाद फाइनली आज सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय लिया है कि कोई भी मुसलमान अपनी पत्नी को मात्र 3 बार तलाक कहकर तलाक नहीं दे सकता। इस्लाम धर्म या कुरान में भी ऐसा कहीं नहीं लिखा है कोई भी मुसलमान इंसान अपनी पत्नी को 3 बार तलाक कहकर तलाक दे दे। तलाक के लिए बाकायदा कानूनी कार्रवाई होगी और जो भी एक्ट इसमें लगते हैं और जो भी धाराएं इसमें लगती हैं, बाकायदा सारे नियम कानून के साथ इस मुद्दे को आगे बढ़ाया जाएगा। जल्दी सुप्रीम कोर्ट इसके लिए एक बड़ा कानून बनाने वाला है। कोर्ट के इस फैसले से पूरे देश में मुस्लिम महिलाओं और अन्य धर्म की महिलाओं में भी काफी जश्न का माहौल है। वहीं कई सारे मौलाना और इस्लाम धर्म के जानकार कोर्ट के इस फैसले को गलत कह रहे हैं। उनका मानना है कि इस्लाम मुसलमान को यह इजाजत देता है कि वो अपनी पत्नी को 3 बार तलाक कहकर तलाक दे सकता है। दोस्तों, आपका मानना क्या है इस मुद्दे पर? क्या कोर्ट का फैसला सही है या फिर इसमें कोई सुधार की ज़रूरत है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।